तो ये जो विलेज है थांग विलेज है, और यहाँ से पाकिस्तान का पोस्ट दिखता है, वो सामने की ओर जो दिख रहा है वहाँ पे, वो सामने का जो एरिया गांव है वो पाकिस्तान के इसमें आता है, और नीचे फेंसिंग है तो इस तरफ का एरिया पूरा पाकिस्तान का है। ये रूम है हमारा, सुमित अर्जुन रेडी नहीं हुआ है एज यूजुअल, फैशनेबली लेट। इसके अलावा लेट उठाते हैं, सबसे लास्ट लेट नहीं उठाते, सबसे लास्ट उठाते हो, और तू वैसे भी लेट उठता है क्योंकि। तो अभी हम लोग सामान वगैरह पैक करते हैं, ऑलमोस्ट 9-10 बजने वाले, आज की राइड ज्यादा नहीं होगी, आज का एंजॉय करने का ज्यादा मतलब प्लान है कि आज ज्यादा एंजॉय करेंगे, राइड ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कल 205 किलोमीटर की राइड की है, थक गए थे और ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाया उस चीज़ को, क्योंकि लंबा जब आप राइड करते हो तो काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं एंड ऑफ द डे, तो और आते आते भी रात हो गई थी। तो अभी फिलहाल ये कि सामान वगैरह पैक कर देंगे, अर्जुन रेडी हो जाएगा, आधे घंटे में हमारा निकलने का प्लान है थांग विलेज की तरफ, और देखेंगे अगर वहाँ जगह मिली तो कैंप करेंगे, अदरवाइज जो भी होगा डिसाइड करेंगे, आपको पता चली जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस अभी बज गए 11:30 के आसपास हो गए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं थांग विलेज की तरफ, तो यहाँ से 10 किलोमीटर और डिस्टेंस पे है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा अगर हम आराम से भी जाते हैं तो। और तुरतुक, अभी ये तुरतुक है यहाँ पे, ये रहा हमारा जो जहाँ पे हमने स्टे किया था, ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है, यही रास्ता आगे जाता है थांग विलेज की ओर, और ये था कि इससे पहले एक ब्रिज आता है वहाँ तक पूरा पाकिस्तान का कब्जा था पहले, और 1971 की वॉर के बाद ये इंडिया में आ गया था, इन्होंने मतलब कैप्चर कर लिया था इंडिया ने वापस से जो POK, और उसके बाद जो थांग विलेज है वो लास्ट विलेज है यहाँ का, नॉर्दर्न मोस्ट विलेज है यहाँ का, उसके बाद POK स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, यहाँ से निकलते हैं अभी और चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर। 41 मिनट दिखा रहा है रास्ता, देखना पड़ेगा कैसा है, ख़राब है क्या? वहाँ से आते वक्त तो बीच में पैचेस थे थोड़े बहुत ख़राब, पर रोड बहुत ही अच्छा था रात में भी। वाह यार, रात में जब हम आए थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आया था वैसे, बट अभी रोड ऐसे ही थे पूरे, सिंगल लेन था बट अच्छे बनाए हुए हैं यहाँ पे रोड BRO ने। कल रात को भी हम ऐसे ही रास्तों से आए बट हमें समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो ये जो विलेज है थांग विलेज है, और यहाँ से पाकिस्तान का पोस्ट दिखता है, वो सामने की ओर जो दिख रहा है वहाँ पे, वो सामने का जो एरिया गांव है वो पाकिस्तान के इसमें आता है, और नीचे फेंसिंग है तो इस तरफ का एरिया पूरा पाकिस्तान का है, और उससे पहले का जो एरिया है वहाँ पे जो मिलिट्री एरिया है वहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो पूरा मिलिट्री जोन है, तो वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बिल्कुल भी सिक्योरिटी रीजंस के कारण अलाउड नहीं है बनाना। बट अभी यहाँ पे हम लोग कैफ़े टाइप का यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से पूरा बॉर्डर चेक पोस्ट दिखता है, बंकर्स वगैरह दिखते हैं, यहाँ पे बाइनोकुलर्स वगैरह हैं, तो वहाँ से आप लोग पाकिस्तान के जो भी बंकर्स वगैरह है वो देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ का जो कल्चर है ये पूरा बाल्टिस्तान का एरिया, तो जो भी ये कल्चर है बाल्टी कल्चर बोलते हैं इसको, यहाँ पे इनका ट्रेडिशन हर चीज़ अलग है यहाँ से, नॉर्मल कश्मीर और लद्दाख से, कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, और जो इनकी लैंग्वेज है बाल्टी लैंग्वेज यूज़ करते हैं बात करने के लिए। हाँ सर, आप लोग यहीं पैदा हुए इसी गांव में? हाँ, कब आए बोलते हैं? हाँ, अभी यहाँ आकर 50 साल हो गया। 50 साल हो गया पहले तो उस पाषाण गांव में रहा। अच्छा, क्या नाम है उस गांव का? पाषाण? फनू। फनू, हाँ फनू। अच्छा, वहाँ पहले फनू पाषाण वो सीपी तक था, सीपी में। अच्छा, हाँ उदीरी पूरा पाषाणी था। अच्छा, फिर दोनों लड़ाई हो गया, यहाँ पहुँच गया,
पासा फौजी भाग गया नशा यहाँ पहुँच गया। अच्छा यहाँ पहुँच कर इसी साल लगा कर 50 हो गया बराबर। अच्छा पर आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती होगी? तकलीफ तो नहीं, हमारे भाई बहन उस गांव में है। अच्छा अभी मैं घर को देखते रहेंगे फिर क्या करेंगे, मिलना नहीं। हाँ घर उधर ही है। कौन कौन है वहाँ पे भाई और बहन? तो होते हैं भाई बहन। हाँ, भाई बहन है। अच्छा और आपके बच्चे बच्चे यहीं पे पढ़े लिखे हैं सारे? हमारे परिवार पूरा यहाँ हो गया, मैं बाद में यहाँ शादी किया है। अच्छा यहाँ बाल बच्चा हो गया। अच्छा अच्छा हाँ अब सिर्फ हमें वही है दिक्कत भाई बहन नहीं रखा है। नहीं देखा बहुत सालों से। बात तो होता है फोन पे होता है बात? हाँ फोन फोन होता है। फोन कर सकते हैं मतलब? खैर खैर है। अच्छा अच्छा हाँ और क्या पूछेंगे। और यहाँ पे पूरा बाल्टी भाषा बोलते हैं आप लोग? हाँ बाल्टी भाषा। हाँ बाल्टी भाषा। अच्छा उर्दू नहीं है ये? इन्होंने बाइनोकुलर टाइप में पूरा लगा के रखा हुआ है। पाकिस्तान का जो भी पोस्ट है बंकर्स है यहाँ से आप देख सकते हो। और उस सामने का जो विलेज है वो पूरा पाकिस्तान का एरिया है। तो अभी हमें कुछ लोग मिल गए थे रास्ते में, कुछ राइडर्स, तो उनके साथ आज शाम को कैंपिंग का प्लान हो रहा है वैसे। और अभी वो लोग थांग विलेज गए हैं घूमने, तो हम लोग ने सोचा तुर्तुक विलेज हम तब तक एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो भाई यहाँ तो बड़ी भीड़ है। अर्जुन अबे तो अभी हम लोग थांग विलेज से वापस से तुर्तुक आ गए हैं। और ये जो तुर्तुक अशहूर गेस्ट हाउस है यहीं पे रात में हम लोग रुके थे। और अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करके, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद हमारा प्लान है जाने का दिस्कित। और दिस्कित या हुंदर वहाँ दोनों में से किसी एक जगह रुकेंगे। रास्ते में कुछ बाइकर्स और मिल गए थे तो उनके साथ हमारा प्लान बन रहा है कैंपिंग करने का। तो होपफुली अगर हुआ तो हम लोग साथ में ही पेंगोंग जाएंगे कल, और आज साथ में होम स्टे के आसपास जो एक्सप्लोर करेंगे और हुंदर या दिस्कित में ही रुकेंगे। तो ये वीडियो तो यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यू नो व्हाट टू डू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे सेफ, गो एक्सप्लोर एंड लिव योर लाइफ।